वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, कंटेनमेंट बोर्ड देवलाली का ऑफिशियली एडमिट कार्ड आ चुका है स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स एग्ज़ाम डेट 24 जनवरी 2021 रखी गई है। जी हाँ, ऑफिशियली एडमिट कार्ड आ चुका है। साथ ही एक सेंटर में यहाँ पे चेंजिंग की गई है। कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हो, आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, कंटेनमेंट बोर्ड देवलाली स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है मनीष पाठशाला चैनल पर। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही आप लोग यूट्यूब भी सर्च कर सकती हो मनीष पाठशाला, वहाँ पर आपको जो है आज से प्रैक्टिस सेट मिलेगी डेली। आपके पास काफ़ी कम समय है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो कंटेनमेंट बोर्ड देवलाली के लिए स्टाफ नर्स के लिए, तो नीचे कमेंट करो। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो नीचे कमेंट करो। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हो इसकी जानकारी देंगे। साथ ही अगर आपने जो है इस फॉर्म को अप्लाई किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो। पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। देवलाली अपडेट भी निकल के आ रही है, जिसमें नीचे आप लोग देखिए तो डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके जो है आप लोग यहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। पहले यहाँ पे एक जो है नोटिस जारी की गई है, जिसको आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका जो पोस्ट आईडी है 26 है। ये जो वैकेंसी निकाली गई थी 6 वैकेंसी है, बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है। और ये जो है आपका 24 जनवरी 2021 को होने वाला है, और यह 13 जनवरी को जो है अपडेट की गई है, चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जो है मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो आपको मैं दिखा दूँ। यह जो नोटिस जारी की गई है, इसमें चेंजिंग की गई है, स्टाफ नर्स पोस्ट आईडी 26 जो एग्ज़ाम होगा 24 जनवरी 2021 को होगा, 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 90 मिनट का समय होगा। जिसमें नीचे आप लोग देखिए ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, देवलाली हाई स्कूल। तो इसके यहाँ पे नीचे आप लोग देखिए इसको क्या बोला गया है, इसको जो है कंबाइंड प्राइमरी स्कूल गुरुद्वारा रोड देवलाली पिन कोड दिया गया है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है नासिक, ये पूरा यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पे अगर एग्ज़ाम सेंटर है तो यहाँ पे चेंजिंग की गई है, आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोग देखिए जो डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस नोटिस को आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिसमें इसका लिंक जो है ऑफिशियली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपना सेंटर, जो भी सेंटर है, अगर आपको जो सेंटर चेंजिंग किया गया है यहाँ पे आप लोग नोटिस में देख सकते हैं, तो आप लोग जो है सेंटर सही से देख लेना। इसके बाद जो है आप लोग एग्ज़ाम देना। और नीचे आप लोग देखिए तो जिसमें डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे देखिए, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे देखिए आप लोग डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन आ चुका है। कंटेनमेंट बोर्ड आपको पहले चूज करना है, तो आप लोग देवलाली चूज कर लो। उसके बाद जो है आप लोग पोस्ट आईडी क्या है, तो पोस्ट आईडी आपका 26 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट आईडी 26, अपना यहाँ पे मेल डालिए। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था वह वाला मेल आपको यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद जो है वेरीफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।